यही एमएलए मैडम को हम लोग माँ का दर्जा दिए थे, जिसमें मैं भी एक हूँ जो वोट करा था, मैं उनको माँ का दर्जा दिए थे। मगर अफसोस की बात यह है कि ये माँ सिर्फ अमीर बच्चों की माँ है, गरीब बच्चों की माँ नहीं है। यहाँ के अगर रोड अच्छे हुए 40 साल पहले भी जो गंदा पानी, आज भी वही गंदा पानी यहाँ पर हमारे सरकार था। हमको कन्नड़ बोलने आता है, ना इंग्लिश में कुछ बोल सकते। असेंबली में 2 बार बोले, एक बार ये अब के बारे में, एक बार दूसरी बार वो भी उनको सही तरीके से बोलने नहीं आया। स्पीकर 2-3 बार पूछ रहा क्या बोलना चाह रहे आप, क्या बोलना चाह रहे। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं सिराज शाह से जनता दल पार्टी से आप तमाम लोगों को मुखातिब होते हुए जनता दल पार्टी के तरफ से हम लोग एक कैंपेन शुरू किए जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। इस कैंपेन का मकसद सीधा सीधा है कि इस बार हम लोगों को कामयाब होना है। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिखर जाए और बिखर कर अपने वोटों को किसी और के पैसों की बुनियाद पे या किसी दोस्ती रिश्तेदारों के बुनियाद पे किसी भी नाकारा कैंडिडेट को हम वोट देकर उनको जिता कर लेकर आए और बाकी के 5 साल जिस तरह हम अगले 5 साल परेशान थे उस तरह आने वाले 5 साल भी हम लोग परेशान रह जाएंगे। हम लोग आप लोगों के बीच इसलिए आए कि आप लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि गुलबर्गे की हालत क्या चल रही है, क्योंकि पिछले 5 साल से मुसलसल हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कोविड का मामला हो, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का मामला हो, हर वक्त जनता दल पार्टी की टीम ग्राउंड पर जाकर काम की है। ये चीज आपके यादाश के लिए, ये हम हमें कामयाब जो कहते हैं वो इसी के लिए है, मकसद है कि आप लोगों को बताना। कांग्रेस और ये बीजेपी ये लोग बोलते हैं कि हमको वोट करिए, आप बताइए कि हम उनको वोट क्यों करें। 45 साल से गुलबर्गा में कांग्रेस की हुकूमत है, गुलबर्गा नॉर्थ में क्या डेवलपमेंट प्रोसेस आए हैं आप हमें बताइए। यहाँ के अगर रोड अच्छे हुए, यहाँ पर आज भी 40 साल पहले भी जो गंदा पानी, आज भी वही गंदा पानी यहाँ पर हमारे लोग इस्तेमाल कर रहा था। ये नाकारा हुकूमत है, ये नाकारा लीडर भूल जाएंगे। गुलबर्गा नॉर्थ की आवाम इंसान है, जानवर नहीं है। हिजाब का मामला आया, कांग्रेस के हेड डीके कहते हैं कि भाई हिजाब के मामले में कोई मुसलमान लीडर उसका आवाज नहीं उठाएगा। और हजी कुमार स्वामी जनता दल पार्टी से वो एक वाहिद एक ऐसे लीडर जो इसके ऊपर आवाज उठाए। और गुलबर्गा कर्नाटक की हिस्ट्री में जनता दल पार्टी से ही हिजाब का प्रोटेस्ट गुलबर्गे में हुआ, उसके खिलाफ मुखालिफत करे हम लोग। उसके बाद कोविड का मामला आया, कोविड के टाइम पे ग्राउंड में हम लोग थे, हम लोग हमारे व्हीकल्स में हमारे पर्सनल गाड़ियों में कोविड के पेशेंट की लेकर गए। गैस सिलेंडर, गैस का इतना बड़ा मसला है कि कई सारे लोगों का इंतकाल हुआ, उससे भी मौजूदा हुकूमत एमएलए मैडम कहां पे थे। ये जब फ्लोर में आ जाता है गैस का इशू आता है तो ऑक्सीजन का जब इशू आता है ऑक्सीजन के लिए एमएलए गणेश मैडम फातिमा बेंगलोर में रहते, क्या हम उसके लिए उनको वोट दें। कोई एक बच्चे का मैं एक छोटी मिसाल देना चाहता हूँ, आजादपुर में 4 साल के बच्चे का खून हुआ था, आप लोगों को याद है या नहीं है पता नहीं मेरे को, मगर 4 साल के बच्चे का खून हुआ था। वो 4 साल के बच्चे के लिए जनता दल पार्टी मुसलसल उसके लिए लड़े और उनके फैमिली की इंसाफ दिलाई। 4 दिन हम लोग जगत सर्कल पे, 4 दिन जगत सर्कल पे बारिश में, धूप बारिश में बैठ के घर को इंसाफ दिलाए। कहां थी ये मौजूदा हुकूमत, कहां थे ये लीडर्स कांग्रेस के। उनके घर के एक सदस्य को जब पुलिस डिपार्टमेंट मारती है तो पूरा कांग्रेस उतर के उनके लिए एहतजाज करते हैं, सांसदों से लेकर कमिश्नर ऑफिस तक पैदल जाते हैं वो लोग। जब किसी गरीब का बच्चा मरता है तो ये एहसास उनको नहीं होता। लास्ट इलेक्शन में यही एमएलए मैडम को हम लोग माँ का दर्जा दिए थे, जिसमें मैं भी एक हूँ जो वोट करा था, मैं उनको माँ का दर्जा दिए। मगर अफसोस की बात यह है कि ये माँ सिर्फ अमीर बच्चों की माँ है, गरीब बच्चों की माँ नहीं है। ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है। जनाब नासिर हुसैन उस्ताद जो एमएलए ना होते हुए
अपनी लीडरशिप को मेंटेन करते हुए हर वो मामले में स्टैंड करे, हर वो मामले में ठहरे। सोच करके हमारे काम जब ऐसे वक्त आता है, जब एक लिखाए को चुनने के वक्त आता है, वो वक्त पैसों की दुनिया पे अपने वोट को बेचते हैं। वोट आप लोगों का एक ईमान है, ये वोट आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल 500, 1000, 2000 रुपए में अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बेचते हैं। और आने वाले वक्त में यही बच्चे आने वाले वक्त में अपना ईमान बाकी के पूरे पार्टियों को बेचकर अपने वोट की कीमत लगाते हैं। एक मेरे सामने ग्राउंड में है 18 साल की उम्र के बच्चे, जो वोट डालने की काबिलियत बनाए हैं, वो बच्चे आकर आज पैसे पूछते हैं। शर्म आना इसे माँ बाप को कि अपने बच्चों को ऐसी तालीम दे। अगर पैसों की बुनियाद पे इलेक्शन हो तो पैसों की बुनियाद पे इलेक्शन जीतना है। यकीन है ऐसी कौम को ये कांग्रेस और बीजेपी ही सही है, जो मेहनत करता है, जो काम करता है, उसको कोई तवज्जो नहीं देता। मगर आज आप लोगों के हाथ में वोट की ताकत है। आप लोगों को सोचना बहुत जरूरी है कि इस बार आपको कौन सा खयाल चाहिए। तो ये फर्ज है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि अगर कोई बच्चा अगर डिलीवरी कोई है, हमारी बहन डिलीवरी दे रही, तो उसका खाना पीना, उसकी डिलीवरी का कॉस्ट, उसका रहना पढ़ना, और यहाँ तक इसकी नौकरी, और यहाँ तक अगर उसका इंतकाल भी होता तो उसके भी पैसे बुलाना रहता। यह हुकूमत का काम है। मगर अफसोस की बात है, हम लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है, मुसलमान का 4% रिजर्वेशन कट हुआ। यही 4% रिजर्वेशन, 1% रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए दलित आदि समाज के लोग अपने आप को मार रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अपनी अपने अपनी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिलाने के लिए। मगर आज किसी को भी कुछ रिजर्वेशन का फायदा क्या, किसी को नहीं मालूम। ये हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, उनका काम रहता है आप लोगों को बताना। मुस्लिम जितने भी उलमा इकराम है, उनका काम रहता है आपको उसका फायदा बताना। मगर ये लोग नहीं बताते, तो नहीं बताने से आप लोग कई सारे स्कीमों से महरूम हो जाते। पेंशन आता 1500 पेंशन फ्री में बनता गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेवाओं के लिए। मगर वही पेंशन बनाने के लिए 5-10 हजार रुपए लेते ये दवा। ये यहाँ का जो कॉर्पोरेट जिस पंक्शन दिलाते हैं, वो एमएलए जिस पंक्शन दिलाते हैं, उनका काम रहता है कि बुजुर्गों को वजीफा, बेवाओं को वजीफा मुकर करा जाए। मगर ये लोग एक वजीफा नहीं करे। यहाँ पर हम कई सारे वार्डों को फिल्टर हम वजीफा करें जनता दल की तरफ से, तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता? हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम हमारे बच्चों को एजुकेशन, एक अच्छी तालीम दी जाए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग कॉलेज है। आप पूछा जाकर उन्होंने कितने बच्चों को फ्री एडमिशन कराए, आप पूछो जाकर। एक बच्चे का फ्री एडमिशन नहीं है, और जो गरीब है उसके पास भी तड़पा तड़पा परेशान करके उनके पास से फीस लेते हैं। ऐसे हुकूमत का काम है, और ऐसे लोगों को हम जिता कर लेकर आते हैं। मेरा तो ये मानना है, ये इलेक्शन नासिर उस्ताद का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन जो है ये आप लोगों का इलेक्शन है। अगर नासिर उस्ताद जीता तो ये गुलबर्गे के मुसलमानों की जीत है, और गुलबर्गे में जो सकीनत सोच सकते हैं वो भाइयों की जीत है। और अगर नासिर उस्ताद हारा तो यकीन मानिए ये आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल का हार है। ये सिराज शासी बोल रहा, आप ये बात को नोट कर लीजिए। आने वाले 5 साल के बाद जब आप ये बात को याद रहेंगे, आप क्या बोलेंगे? ये हकीकत में नासिर उस्ताद का जिताना था। बयान बहुत देते हुए मैं आप तमाम लोगों से ये अदबन गुजारिश करता हूँ, मेरे माँ बहनों से, रिश्तेदारों से, उनके ये वोट को पैसों की शक्ल में ना बेचे, वोट को पैसे की शक्ल में ना बेचिए। कम से कम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस बार ईमानदारी से वोट दीजिए। यहाँ पर मेरे को ठहर के सुनने में आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस तकलीफ है दिल में, मैं आप लोगों के सामने जाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे तुम्हारे में एक बंडी चलाने वाला नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे को बंडी आगे पीछे में लगाया जाए। एक होटल में बैठने वाला नहीं चाहता कि उसके बेटे को होटल में लगाया जाए। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे IAS ऑफिसर बने, वो भी चाहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे जाए, वो भी चाहते हैं उनके बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। मगर गुलबर्गे में रोजगारी भी नहीं है, गुलबर्गे में रोजगारी नहीं है, बच्चे बाहर जाते हैं। हमारे जैसे लोग घर छोड़कर 10-12 साल बाहर जाकर अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से दूर रहते हैं। हम लोग मजबूर में जाना चाह रहे। आज हम आए यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारे भी हर हमारा तो वक्त हो गया, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए हम लोग आए। अगर ऐसे वक्त में अगर आप लोग हमारा साथ दे देंगे और आप कांग्रेस और साथ देंगे, तो यकीनन आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा उसमें। क्योंकि अल्लाह बोला से अगर आप अपनी मदद दे सकते तो अल्लाह खुद अपनी मदद नहीं करेगा।
जब रोड हो गए कारोबार कर रहे हैं, मार्केट में कारोबार कर रहे हैं हमारे लोग, पुलिस और नौजवान में हमारे कई गाड़ियां पकड़े, कोई एमएलए कोई एमपी हमारे साथ में नहीं आया, कई लोग लाठियां करे, कई लोग भागमबाजी करे, कई लोग क्या मालूम है लॉकडाउन में मर चुके मेरे दोस्तों। आज ये कांग्रेस पार्टी जो लॉकडाउन का मामला हमने यहाँ पर कोई कैमल में गाड़ी छोड़ाने का काम नहीं किया, अलंत का इशू हुआ, अलंत इशू में एक लाख भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। यही नासिर हुसैन उस्ताद साहब जो है जो अलंत के मसले में जो 100 चिन्हर जो लोग पकड़े गए थे वो छुड़ाने का काम कौन किया, मतलब नासिर हुसैन उस्ताद किया है। 5 टाइप की स्कीम को लॉन्च किए हैं, जिसमें पहले जिनके घरों घर जाति घर नहीं है उनको फ्री घर देना है, दवा खाने का शुरू से लेकर आखिरी तक फ्री इलाज कराएंगे, एजुकेशन के अंदर बच्चों के पूरा ए टू जेड फ्री एजुकेशन होगा, चौथा किसानों का जो भी बीज का और जो भी यूरिया का वगैरह का जो भी खर्चा है वो तो अपने गवर्नमेंट की तरफ से उसमें सब्सिडी करके, वो भी हर बीपीएल फैमिली को हर साल जो है ना 5 गैस के सिलेंडर फ्री है और ऑटो ड्राइवर को 2000 है। अच्छा, ये कुमार स्वामी का वादा है, अगर हमारी गवर्नमेंट बनी तो ये पूरा करेंगे बोल के। और जैसा कि आप गुजिश्ता 2018 में कुमार स्वामी का वादा था, अगर मैं सीएम बना तो मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा। और बेशक आप तमाम लोग जानते हैं कि कुमार स्वामी साहब ने वो करके भी बताए, पूरे किसानों के 2-2 लाख रुपए कर्जे माफ किए हैं। और ये कुमार स्वामी में ही काबिलियत है ऐसे स्कीम्स लाके, जैसे गुजिश्ता भाग्य लक्ष्मी स्कीम और ये पेंशन भी 100 रुपए था, उसको 500 रुपए भी कुमार स्वामी गवर्नमेंट ही करी थी। आज उसको मतलब के पब्लिक के लिए पब्लिक लीडर कुमार स्वामी से बेहतर इस स्टेट में दूसरा कोई नहीं है। तो मेरा ये बोलना है नासिर उस्ताद साहब जेडीएस के जो लेडीज भारे का निशान है, निशान नंबर 3 पे है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम भी आप तमाम लोगों के घर पे और पर्सनल सबसे मिलेंगे, इसके ताल्लुक से और पुलिसा जो भी जानकारी हमारे को मिलेंगी आप तमाम ताजनगर के लोगों को भी देंगे। 3 नंबर पे है, जरा खास करके माँ और बहनों से अपने अपने घरों से जाके ये बोलो भाई, लेडीज को मालूम होना चाहिए कि इस बार जो है ना जेडीएस का वोट डालना चाहिए, क्योंकि हमारे को कोई पार्टी से मतलब नहीं है। गुलबर्ग में हमारे को आज कमर इस्लाम से जैसा या उनसे बढ़कर एक लीडर चाहिए, और वो वैसा शख्सियत सिर्फ एक ही है, वो है नासिर उस्ताद। पब्लिक के लिए लड़ना, पब्लिक के लिए स्ट्राइक करना, पब्लिक के लिए जाके बड़े बड़े ऑफिसरों से कमिश्नरों से लड़ना बहस करना, ये एक काबिलियत और पढ़ा लिखा शख्स है, ना के जैसा मैडम है, ना उनको उर्दू देखकर पढ़ने आती है, ना उनको कड़ा बोलने आता है, ना इंग्लिश में कुछ बोल सकते। गुज़िश्ता 5 सालों में सिर्फ अपने 2 ही असेंबली में 2 बार बोले, एक बार ये खबरों के बारे में, एक बार दूसरी बार, वो भी उनको सही तरीके से बोलने नहीं आया। स्पीकर 2-3 बार पूछ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं आप, क्या बोलना चाह रहे हैं, वो भी बोलने नहीं आया। तो हमारा दुख दर्द कौन सुनाएगा, इसलिए लीडर जब तक मजबूत नहीं रहेगा जब तक कुछ होने वाला नहीं है। जो जो सीना हम पिछले 40 साल से जो फखर से ऐसा उठा के चलते थे, आज वो 5 सालों में हमारे को वैसा महसूस नहीं हो रहा अपने आप में, क्योंकि पीछे हमारे लीडर मजबूत नहीं है, क़यादत नहीं है। इसलिए आप तमाम लोगों से फिर एक बार मैं अपील करता हूं, इस बार नासिर हुसैन उस्ताद को 3 नंबर के बटन पे भारी से भारी ज्यादा वोट डाल के भारी अक्सर से जिता के लाए। शुक्रिया।